नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ज़िंदगी पर कुछ बेहतरीन कोट्स लेकर आए हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम आपको प्रेरणात्मक सुविचार बताएंगे जो आपको शांति, सुकून और हिम्मत देगी। ये बातें, जिंदगी में हंसी खुशी गम लगा रहता है, इसी का नाम जिंदगी है। हमें ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। जीवन के प्रति हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें, तभी आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मन को शांति और हिम्मत देगी ये बातें। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही मुश्किल है। और यही वो मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है और ना ही वायदे पसंद है, उसे तो सिर्फ फायदे पसंद है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती है। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। भरोसा तो अपनी सासों का भी नहीं है, और हम इंसान पर करते हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता, उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कोई मज़ा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मज़ा है। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराज़गी कच्ची रखनी चाहिए। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुँह से नहीं निकालता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत ही सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। ज़िंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं, और खुद हमारी तकदीर को, बस अंतर तो सिर्फ इतना है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु और मित्र बनाते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दर्द सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है। दुनिया बनाने वाला दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि शांति, सुकून और हिम्मत देगी ये बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी पोस्ट के माध्यम से सही जानकारी मिले तो हमें जीवन में कुछ आवश्यकता बदलाव जरूर करें। फिर भी अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आवश्यकता बदलाव कर सकें। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए आर्टिकल लाने के लिए प्रेरित करता है।
ऐसी ही कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।